हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमिली ब्रोंट के द्वारा लिखा गया नोवेल वदरिंग हाइट्स। वदरिंग हाइट्स 1847 में लिखा गया। इसका जो लिटरेरी पीरियड है वह है विक्टोरियन और इसकी सेटिंग लेट 18th सेंचुरी में यॉर्कशायर इंग्लैंड में की गई है। इस नोवेल की जो स्टोरी है वह दो फैमिलीज़ के बारे में है। फर्स्ट फैमिली है द अर्नशो एंड सेकेंड फैमिली है द लिंटन्स फैमिली। इस नोवेल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है लॉकवुड, जो कि इस स्टोरी का नरेटर है और वह थ्रशक्रॉस ग्रेंज नाम की एक जगह पर किराए पर रहने के लिए आता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है नेली, जो कि वदरिंग हाइट्स की हाउसकीपर होती है। एक्चुअली दोस्तों, ये जो लॉकवुड होता है वो वदरिंग हाउस की हिस्ट्री पूछता है नेली से और बाद में नेली उसको दोनों परिवारों की हिस्ट्री बताती है। हीथक्लिफ मिस्टर अर्नशो का बेटा है, जो कि उनके द्वारा एडॉप्ट किया गया था, और हीथक्लिफ लिंटन का पिता होता है। नेक्स्ट है कैथरीन अर्नशो, जो कि मिस्टर अर्नशो की बेटी है और एडगर लिंटन की वाइफ है, और कैथरीन लिंटन की मदर है और हीथक्लिफ कैथरीन अर्नशो से प्यार करता है। एडगर लिंटन सन ऑफ मिस्टर लिंटन, कैथरीन अर्नशो का हस्बैंड है और कैथरीन लिंटन का फादर है। इसाबेला लिंटन सिस्टर ऑफ एडगर लिंटन और हीथक्लिफ की वाइफ है और लिंटन हीथक्लिफ की मदर है। हिंडली अर्नशो, जो कि कैथरीन अर्नशो का ब्रदर है और हियर्टन अर्नशो का पिता है। कैथरीन लिंटर, जो कि कैथरीन अर्नशो और एडगर लिंटन की बेटी है। लिंटन हीथक्लिफ, जो कि हीथक्लिफ और इसाबेला लिंटन का बेटा है और कैथरीन लिंटन का हस्बैंड है। एंड लास्ट है हियर्टिन अर्नशो, जो कि हिंडली अर्नशो का बेटा है। दोस्तों, इस नोवेल की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। तो चलिए नोवेल की समरी शुरू करते हैं। इन 1801 मिस्टर लॉकवुड द न्यू टीनेंट एट थ्रशक्रॉस ग्रेंज इन यॉर्कशायर प्लेज अ विजिट टू हिज लैंडलॉर्ड हीथक्लिफ एट हिज रिमोट मूरलैंड फार्म हाउस वदरिंग हाइट्स। मिस्टर लॉकवुड, जो कि यॉर्कशायर में थ्रशक्रॉस ग्रेंज का एक किराएदार होता है, वह अपने लैंडलॉर्ड हीथक्लिफ से उसके सुदूर फार्म हाउस वदरिंग हाइट्स में मिलने के लिए जाता है। लॉकवुड रीड्स द डायरी ऑफ द फॉर्मर इनहेबिटेंट ऑफ हिज रूम कैथरीन अर्नशो एंड हैज़ अ नाइटमेयर इन विच अ घोस्टली कैथरीन बेग्स टू एंटर थ्रू द विंडो। वहाँ पर ये लॉकवुड क्या करता है कि इसके जो रूम का पुराना निवासी था कैथरीन अर्नशो, उसकी डायरी पढ़ लेता है और वह डायरी पढ़ने के बाद उसी रात को उसके सपने में एक भूत आता है कैथरीन का, जो उसे कहती है कि वह उसे विंडो के थ्रू अंदर आने दे। अवकेंड बाई लॉकवुड्स फियरफुल येल्स हीथक्लिफ इज ट्रबल्ड। लॉकवुड जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी चिल्लाहट से हीथक्लिफ भी परेशान हो जाता है। बाद में लॉकवुड वापस वदरिंग हाउस से थ्रशक्रॉस ग्रेंज चला जाता है और वहाँ पर वह बीमार पड़ जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। जब वह रिकवर होता है तो उसकी हाउसकीपर नेली उसे उस स्ट्रेंज फैमिली की कहानी सुनाती है। नेली कहती है कि 30 साल पहले अर्नशो फैमिली अपने बच्चों हिंडली और कैथरीन के साथ वदरिंग हाइट्स में रहते थे। वह भी उनके साथ ही रहती थी। रिटर्निंग फ्रॉम ए ट्रिप टू लिवरपूल अर्नशो ब्रिंग्स होम ए यंग ऑर्फेन होम नेम हीथक्लिफ। जब वे अपने ट्रिप लिवरपूल से वापस लौट रहे थे तब उन्होंने एक अनाथ को, जिसका नाम हीथक्लिफ था, उसको गोद ले लिया। अर्नशो अपने बच्चों की अपेक्षा उस गोद लिए हुए बेटे को ज़्यादा प्यार करता था। हीथक्लिफ हु ग्रेजुअली बिकम्स क्लोज फ्रेंड विद कैथरीन। बाद में हीथक्लिफ कैथरीन का भी क्लोज फ्रेंड बन गया था। यहाँ पर हिंडले को हीथक्लिफ से जेलेसी होती है, क्योंकि उसके पिता अर्नशो और उसकी बहन कैथरीन हिंडले की बजाय हीथक्लिफ से ज़्यादा प्यार करते थे। हिंडले डिपार्ट्स फॉर यूनिवर्सिटी, हिंडले यूनिवर्सिटी के लिए चला जाता है, रिटर्निंग एज द न्यू मास्टर ऑफ वदरिंग हाइट्स ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर 3 years लेटर। जब 3 साल बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वह वदरिंग हाइट्स वापस लौट आता है और वदरिंग हाइट्स का नया मास्टर होता है। ही एंड हिज न्यू वाइफ फ्रांसिस अलाउ हीथक्लिफ टू स्टे बट ओनली एज अ सर्वेंट। हिंडले और उसकी नई पत्नी हीथक्लिफ को रहने की अनुमति तो दे देते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि तुम एक सर्वेंट की तरह ही रहना।
हीथक्लिफ एंड कैथरीन स्पाई ऑन एडगर लिंटन एंड हिज सिस्टर इजाबेला। हीथक्लिफ और कैथरीन एडगर लिंटन और उसकी बहन इजाबेला पर जासूसी करते हैं हु लिव नियर बाई एट थ्रसक्रॉस ग्रेंज, जो कि उनके घर से थोड़ी सी दूरी पर ही रहते थे। कैथरीन इज अटैक्ड बाय देयर डॉग। कैथरीन के ऊपर लिंटन फैमिली का डॉग अटैक कर देता है एंड द लिंटन स्टेक हर इन एंड सेंडिंग हीथक्लिफ होम। तब लिंटन कैथरीन को अपने साथ लेकर जाते हैं और हीथक्लिफ को वापस घर भेज देते हैं। व्हेन द लिंटन्स विजिट हिंडले एंड एडगर मेक फन ऑफ हीथक्लिफ। जब लिंटन आता है तो हिंडले और एडगर वे दोनों मिलकर हीथक्लिफ का मजाक उड़ाते हैं। अ फाइट इंस्यूज़, उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और वे हीथक्लिफ को एटिक यानी अटारी में बंद कर देते हैं और हीथक्लिफ उनसे बदला लेने की कसम खाता है। फ्रांसिस डाइज आफ्टर गिविंग बर्थ टू ए सन हेरिटन। हिंडले की वाइफ फ्रांसिस एक बच्चे को जन्म देती है, उसका नाम हेरिटन होता है और वह जन्म देने के बाद मर जाती है। टू ईयर्स लेटर कैथरीन बिकम इंगेज्ड टू एडगर और दो साल बाद में कैथरीन भी लिंटन फैमिली से एडगर लिंटन के साथ सगाई कर लेती है। सी कन्फेसेस टू नेली दैट शी लव्स हीथक्लिफ। कैथरीन नेली को कहती है कि वह हीथक्लिफ से प्यार करती है और वह उसकी मदद भी करेगी, लेकिन वह उसके लो सोशल स्टेटस के कारण उससे से शादी नहीं कर सकती। नेली वॉन्स हर अगेंस्ट द प्लान। नेली उसको प्लान के खिलाफ चेतावनी देती है। हीथक्लिफ ओवर हियर्स पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। हीथक्लिफ उनके बात का थोड़ा हिस्सा सुन लेता है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कैथरीन हार्ट फ्लीज द हाउस होल्ड, और वह कैथरीन को गलत समझ लेता है और घर से भाग जाता है। कैथरीन फॉल्स इल डिस्ट्रॉट। जब वह घर से भाग जाता है तो कैथरीन परेशान हो जाती है और बीमार पड़ जाती है। थ्री ईयर्स आफ्टर हिज डिपार्चर विद एडगर एंड कैथरीन हैविंग मैरिड इन द मैन टाइम हीथक्लिफ अनएक्सपेक्टेडली रिटर्न्स। उसके जाने के 3 साल बाद एडगर और कैथरीन विवाह कर लेते हैं और उसी दौरान हीथक्लिफ भी वापस लौट आता है। नाउ ए वेल्दी जेंटलमैन, लेकिन अब वह पैसे वाला बन जाता है। ही इनकरेजेज इसाबेलाज इनफेट्यूएशन विद हिम एज अ मीन्स ऑफ रिवेंज ऑन कैथरीन। वह एडगर की बहन इसाबेला को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसे एक साधन के रूप में इस्तेमाल करता है ताकि वह कैथरीन से बदला ले सके। इनरेज्ड बाय हीथक्लिफ्स कॉन्स्टेंट प्रेजेंस एट थ्रसक्रॉस ग्रेंज एडगर कट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। हीथक्लिफ की लगातार उपस्थिति के कारण एडगर उनसे अपना संपर्क कट ऑफ कर लेता है। कैथरीन रिस्पॉन्ड्स बाय लॉकिंग हरसेल्फ इन हर रूम एंड रिफ्यूजिंग फूड। कैथरीन भी अपने आप को रूम में बंद कर लेती है और खाना खाने से मना कर देती है। प्रेग्नेंट विद एडगर्स चाइल्ड शी नेवर फुली रिकवर्स। एडगर के बच्चे की माँ होने के बावजूद भी वह कभी भी रिकवर नहीं रह पाती। एट वेदरिंग हाइट्स हीथक्लिफ गैम्बल्स विद हिंडली। हीथक्लिफ हिंडले के साथ जुआ खेलता है। हु मॉर्गेजेस द प्रॉपर्टी टू हिम टू पे हिज डेट। हिंडले अपना कर्जा चुकाने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी को गिरवी रख देता है। मॉर्गेजेस का मतलब होता है गिरवी रखना। हीथक्लिफ इलोप्स विद इसाबेला। अब जो लिंटन फैमिली होती है उसको हीथक्लिफ परेशान करता है, तो लिंटन अपनी बहन इसाबेला का विवाह है हीथक्लिफ से कभी नहीं करवाता है, तो हीथक्लिफ उसको लेकर भाग जाता है। बट द रिलेशनशिप फेल्स एंड दे सून रिटर्न। लेकिन उनका रिलेशनशिप फेल हो जाता है और वे वापस लौट आते हैं। व्हेन हीथक्लिफ डिस्कवर्स दैट कैथरीन इज डाइंग ही विजिट्स हर इन सीक्रेट। जब हीथक्लिफ को पता चलता है कि कैथरीन मर रही है तो वह छुपके से उससे मिलने जाता है। शी डाइज शॉर्टली आफ्टर गिविंग बर्थ टू ए डॉटर कैथी। वह कैथी नाम की एक बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद मर जाती है एंड हीथक्लिफ फील्ड विद एंगर, और हीथक्लिफ एंगर से भर जाता है। कॉलिंग ऑन हर घोस्ट टू हंट हिम फॉर एज लॉन्ग एज ही लिव्स। हीथक्लिफ गिल्टी फील करता है कि कैसे उसने उसे परेशान किया, तो वह कैथरीन के भूत को बुलाता है और उससे कहता है कि वह उसे तब तक परेशान करे जब तक कि वह जीवित है। इसाबेला फ्लीज साउथ वेयर शी गिव्स बर्थ टू हीथक्लिफ सन लिंटन। इसाबेला हीथक्लिफ से परेशान होकर साउथ चली जाती है। वहाँ पर वह हीथक्लिफ के बेटे लिंटन को जन्म देती है। हिंडले डाई 6 मंथ्स लेटर और हिंडले उसके 6 महीने बाद मर जाता है, लिविंग हीथक्लिफ एज मास्टर ऑफ वेदरिंग हाइट्स। अब वेदरिंग हाइट्स का नया मास्टर हीथक्लिफ होता है।
12 years later after Isabella's death, the still sickly Linton is brought back to live with his uncle Edgar at the Grange. 12 साल के बाद इसाबेला की मृत्यु के बाद अभी भी उसके बीमार पुत्र लिंटन को उसके चाचा एडगर के पास रहने के लिए लाया गया, बट हीथक्लिफ इंसिस्ट दैट हिज सन मस्ट इंस्टेड लिव विद हिम। लेकिन हीथक्लिफ कहता है कि उसका बेटा लिंटन एडगर के पास नहीं बल्कि उसके पास रहेगा। कैथी एंड लिंटन ग्रेजुअली डेवलप ए रिलेशनशिप। अब लिंटन तो अपने पिता हीथक्लिफ के साथ रहता है और कैथी अपने पिता एडगर के साथ रहती है, तो उन दोनों के बीच में भी रिलेशन शुरू हो जाता है। हीथक्लिफ स्कीम्स टू इंश्योर दैट दे मैरी। हीथक्लिफ एक योजना बनाता है कि कैथी और लिंटन शादी कर ले एंड ऑन एडगर्स डेथ डिमांड्स दैट द कपल मूव इन विद हिम। ही रिवेल्स दैट ऑन द नाइट कैथरीन डेड ही डग अप हर ग्रेव। वह खुलासा करता है कि जब कैथरीन मरी थी तो उसी ने उसकी कब्र खोदी थी एंड एवर सिंस हैज़ बीन प्लग्ड बाय हर घोस्ट। और वह अभी भी हीथक्लिफ उसके भूत से पीड़ित है। व्हेन लिंटन डाइज कैथी हैज़ नो ऑप्शन बट टू रिमेन एट वेदरिंग हाइट्स। लेकिन बाद में लिंटन की भी मृत्यु हो जाती है तो कैथी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता बजाय इसके कि वह वेदरिंग हाइट्स में रहे। Having reached the present day, Nellie's tale concludes, और वर्तमान दिन तक पहुँचने के बाद नेली की कहानी ख़त्म हो जाती है। Lockwood grows tired of the moors and moves away. Lockwood उस दलदल से थक जाता है और वहाँ से चला जाता है। 8 months later, he arrives at Wuthering Heights while traveling through the area. अपने एक ट्रेवल के दौरान वह 8 महीने बाद वापस वुदरिंग हाइट्स आता है। ही शी इज़ नेली अगेन हु इज़ नाउ द हाउसकीपर एट वेदरिंग हाइट्स। वह नेली को एक बार दोबारा देखता है और अभी भी वह वेदरिंग हाइट्स की हाउसकीपर है। शी रिपोर्ट्स दैट कैथी हैज़ बीन टीचिंग द स्टिल अनएजुकेटेड हियरटन टू रीड। नेली लॉकवुड को बताती है कि कैथी अभी भी हियरटन जो कि हिंडले का बेटा है उसको अभी भी वह पढ़ाती है। हीथक्लिफ वॉज सीइंग विजन्स ऑफ द डेड कैथरीन और हीथक्लिफ को अभी भी कैथरीन का भूत दिखाई देता है। अंत में हीथक्लिफ भी खाना खाना बंद कर देता है और वह कैथरीन के पुराने कमरे में मरा हुआ पाया जाता है। इन द प्रेजेंट लॉकवुड लर्न्स दैट कैथी एंड हियरटन प्लान टू मैरी एंड मूव टू द ग्रेंज। लॉकवुड को पता चलता है कि कैथी और हियरटन दोनों शादी करने का प्लान बना रहे हैं और ग्रेंज में जा रहे हैं और जोसेफ को वेदरिंग हाइट्स की टेक केयर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। Nellie says that the locals have seen the ghost of Catherine and Heathcliff wandering abroad together. Nellie का कहना है कि स्थानीय लोगों ने कैथरीन और हीथक्लिफ के भूत को एक साथ घूमते हुए देखा है। Lockwood passes by the grave of Catherine, Edgar and Heathcliff and is convinced they are finally at peace. और अंत में लॉकवुड कैथरीन एडगर और हीथक्लिफ की कब्र के पास से गुजरता है और यह आश्वस्त होता है कि वे सभी अब शांति से हैं। इस नोवेल की जो मेन थीम है वो है लव पैशन एंड वेंजेस, यानी प्यार जुनून और प्रतिशोध। यह हीथक्लिफ और कैथरीन के बीच का प्यार था। थ्रू इट अज्यूम्स डेंजरस प्रोपोर्शंस एट द प्लॉट थिकेंस। और जैसे जैसे इस नोवेल का प्लॉट आगे बढ़ता जाता है यह और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। कैथरीन रिजेक्ट्स हीथक्लिफ चूजिंग इंस्टेड एडगर लिंटन। कैथरीन हीथक्लिफ को चुनने के बजाय एडगर लिंटन को चुनती है। दिस इंस्टिगेट्स द थीम ऑफ रिवेंज एज हीथक्लिफ्स प्योर लव टर्न्स बिटर एंड डेविलिश। और यह बदले की भावना को उकसाता है और हीथक्लिफ का कैथरीन के लिए जो प्योर लव होता है वह कड़वा और शैतानी हो जाता है एंड डिस्ट्रॉइंग रिलेशनशिप इन इट्स वेक, जिससे जो रिश्ते जो रिलेशनशिप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये नोवेल समझ में आई है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।